ये वो लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो ताजमहल को तोड़ना चाहते हैं। मानवर, हम यहाँ आए तो आपने हमको सौगंध दिलाई मानवर, इस देश के संविधान की रक्षा की, इस देश के एकता और अखंडता को अक्षुण रखने की आपने यहाँ सौगंध दिलाई मान्यवर। लेकिन मुझे जरा बताइए, एक चुना हुआ इनका विधायक कहता है ताजमहल इसलिए तोड़ देना चाहिए क्योंकि उसको मुगलों ने बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ, कुतुब मीनार भी तोड़ डालो, उसको भी मुगलों ने बनाया, देश की पार्लियामेंट भी तोड़ डालो, देश का राष्ट्रपति भवन भी तोड़ डालो, पीटी रोड भी तोड़ डालो, हिंदुस्तान नफरत की बुनियाद पर नहीं बनेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाना है, हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है, ये गंगा जमनी तहजीब का देश है मानवर, ये वो देश है जहाँ पर बिस्मिल्ला खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में घुसती है मानवर, ये वो देश है जहाँ मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं मानवर, ये वो देश है जहाँ मोहम्मद रफी गाना गाते हैं मेरे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू। इस देश की अगर नफरत की बात की जाएगी, भाई से भाई को बांटने की बात की जाएगी, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की बात की जाएगी, अगर आप पिछड़ा और दलित सवर्ण की बात की जाएगी, मुझे बहुत अफसोस है कि इस देश के लोकतंत्र को आज जिस प्रकार से कुचलने की कोशिश की जा रही है, वही संसदीय सचिव हरियाणा में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव हिमाचल में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव पंजाब में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव आसाम में मिजोरम में सदस्यता रद्द नहीं होती, लेकिन दिल्ली में 20 विधायकों की आपने सदस्यता रद्द करके लोकतंत्र की हत्या की है। चुनाव आयोग ने एके ज्योति ने लोकतांत्रिक संस्थाओं का मर्दन कर रहे हैं, आप लोकतांत्रिक संस्थाओं का मर्दन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये ऊंची आवाज से आम आदमी की आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने राउंड डाला अपने पैरों से वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। आप इस चमन की रहनुमाई का दावा कर रहे हैं, आप इस चमन की रहनुमाई का दावा कर रहे हैं, इस गरीब आदमी के, इस मुल्क के गरीब के दर्द को समझने का कोशिश कीजिए। ये लोहिया का देश है, ये गांधी का देश है, ये जेपी का देश है। डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। लोहिया का नारा था, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। और झारखंड के अंदर कोयला देवी की 11 साल की बच्ची संतोषी भात भात कह के मर जाती है, आज भी इंसान भूख से मर रहा है 70 साल के बाद, और आपकी सरकार को, ये राष्ट्रीय शर्म की सरकार है जिसको शर्म नहीं आती, भूख से गरीबी से लोग देश के अंदर मर रहे हैं, और आप यहाँ बैठकर बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एक बात के लिए मैं इस सरकार से सहमत हूँ, सुनने की क्षमता रखिए। एक बात के लिए मैं इस सरकार की तारीफ करूंगा, मेरे विपक्ष के मित्र हो सकता है मुझसे सहमत ना हो, लेकिन अगर इस सरकार के अंदर कोई झोटा हो ना हो, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए तो नंबर एक पर यह सरकार आएगी, दो नंबर पर नहीं आएगी, ये मैं कह सकता हूं माननीय, ये मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है इस सरकार के ऊपर। साथियों, किस प्रकार का हिंदुस्तान आप बना रहे हैं? आपने 40,000 रुपए का कर्जा नौजवानों को दे के बार बार मुद्रा 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 करते हैं। आपने कितनी मुद्राएं देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी है उसको सुनना चाहेंगे क्या? रिलायंस ग्रुप पर 1,25,000 करोड़ का कर्जा, वेदांता ग्रुप पर 1,03,000 करोड़ का कर्जा, एसआर ग्रुप पर 1,01,000 करोड़ का कर्जा, अडानी ग्रुप पर 96,000 करोड़ का कर्जा, जेपी ग्रुप पर 75,000 करोड़ का कर्जा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप पे 58,000 करोड़ का कर्जा, जीएमआर ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, लैंको ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, वीडियोकॉन ग्रुप पे 5,000 करोड़ का कर्जा,
बीजीबी के ग्रुप पर 35,000 करोड़ का कर्जा, 8,55,000 करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया। ये सरकार ये कहती है मान्यवर, मोदी जी की सरकार कहती है 10-9 हजार का कर्जा लोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी केंद्र की बैठी हुई सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा लंदन। ये काम ये करना चाहते हैं मान्यवर। मान्यवर ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं। आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। हो सकता है कल को कोई पार्टी सत्ता में रहे, फिर दूसरी पार्टी सत्ता में रहे। आज हमारी आवाज को आप दबा सकते हैं और मुझे आपका दर्द भी समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के 3 सांसद आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इतने मित्र मिलकर किस प्रकार से एक आदमी की स्पीच नहीं होने दे रहे। यह आपकी बौखलाहट का नतीजा है, यह आपकी बौखलाहट का नतीजा है, यह आपकी बौखलाहट का नतीजा है। परेशान मत होना, परेशान मत होना, 6 साल यहाँ रहूंगा और एक एक दिन आपके लिए मुश्किल का दिन होगा। घोटाले कर रहे हो राफेल में, उसको भी उजागर करेंगे। भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसको भी उजागर करेंगे। लिंचिंग करा रहे हो, उसको भी उजागर करेंगे। आम आदमी की आवाज को खामोश नहीं रहने देंगे। सीलिंग से व्यापारियों को उजाड़ रहे हो, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। देश के अंदर तानाशाही ला रहे हो, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। आम आदमी की आवाज को देश के अंदर दबाया नहीं जा सकता है। आपका आपका हिंदुस्तान की आजादी में क्या इतिहास है? आपका हिंदुस्तान की आजादी में क्या इतिहास है? आप दूसरों को संजय सिंह प्लीज का सर्टिफिकेट बांटते हैं, संजय सिंह प्लीज को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं, पाकिस्तान भेजना चाहते हैं सबको, आप पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, संजय सिंह आप पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट अंतिम सर, अंतिम एक मिनट सर, एक मिनट सर प्लीज ये पाकिस्तान भेजना चाहते हैं सबको, ये राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र मांगते हैं। इसकी जो मात्र संस्था है आरएसएस, संजय सिंह अपने कार्यालय पर जय मावर तिरंगा नहीं फहराया, जय मावर। ओके, ये राष्ट्रवाद सर्टिफिकेट बांटते हैं।